2 अगस्त गुरु हरकृष्ण साहब जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां सरबत संगतां नूं लख लख मुबारकां होण जी। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। हर गुरसिख जदों अकाल पुरख दे चरणां विच अरदास करदा है तो इन्हां शब्दां दा उच्चारण करदा होया बहुत प्यार श्रद्धा ते सतिकार नाल श्री हर गुरु कृष्ण साहब जी अगे श्रद्धा दे फुल पेश करदा है। अरदास दे इह बोल अजे हन जिहड़े प्रेरणा दिंदे हन कि श्री गुरु हरकृष्ण जी दे आदर्श जीवन नूं जरूर याद करना चाहिदा है क्योंकि उन्हां दे दर्शन कित्यां समुची मनुखता दे सब तरह दे दुखां दी निवृत्ति हुंदी है। इन्हां विचारां राहीं बाला प्रीतम गुरु दी मानता महानता ते गौरवता दा पता लगदा है। श्री गुरु हरकृष्ण जी दा प्रकाश श्री गुरु हर राय साहब जी दे ग्रह विखे माता कृष्ण कौर जी दे पावन कुख तों 2 अगस्त सन 1656 ईस्वी नूं कीर्तपुर साहब दे पवित्र स्थान ते होया। आप जी दे दादा बाबा गुरदित्ता जी ते परदादा श्री गुरु हरगोबिंद जी सन। श्री राम राय आप जी दे वड्डे भरा सन। श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं तुर दरगाहों दैवी गुणा वाली आत्मिक उच्चता प्राप्त हुई सी अते जन्म तो ही गुरमत दी सिख्या दिख्या मिलन लग पई सी। आपने छोटी उम्र विच ही पिता जी दी संगत विच रह के सब तरह दी उचेरी विद्या गुरबाणी ते गुरमत सिद्धांतां दी सूझ ते दूजे धर्मां दा ज्ञान ग्रहण कर लिया सी। आप अंतरबोध दी धारनी अते ब्रह्म ज्ञान नाल ओत पोत सन। वेखण सुनण वाले महान विद्वान भी बालक दी दैवी उच्चता ते अलौकिक सूझबूझ तो हैरान हो जांदे सन। बालक श्री हरकृष्ण जी दा हिरदा बहुत कोमल सी। उन्हां विच परोपकार दी नीति नूं चंगी तरह समझदे सन। श्री गुरु हर राय जी नूं अपने छोटे पुत्र विच गुरु जोत दे अंश जो उन्हां ने पिता दादा ते परदादा जी कोलों विरसे विच प्राप्त कीते सन दिखाई दे रहे सन। सतवें पातशाह श्री गुरु हर राय जी ने अपना ज्योति जोत समाउण दा समां नेड़े आया समझ के अपने छोटे पुत्र नूं हर तरह नाल योग समझिया अते गुरबाणी दे महावाक तख्त बहे तख्ते की लायक अनुसार सारी संगत दे सन्मुख श्री हरकृष्ण जी नूं गुरुआई सौंप दित्ती। आप जी ने श्री गुरु नानक देव जी दी जोत अते जुगत दा गुरु वार स्थापित करदिया ए वरदान भी दिता कि जिहड़ा श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह दे दर्शन करेगा उस दे दुख दलिद्र ते रोग संताप सहजे ही मिट जाणगे। सुख सहज ते आनंद उस दा तन बन जावेगा। आप दा दर्शन दीदार निश्चय ही सब दुख जाए दा प्रतक प्रमाण है। इस तरह 5.25 साल दी उम्र विच ही श्री गुरु हरकृष्ण साहिब समर्थ ते योग गुरु दे रूप विच प्रगट होए अते सिखां दे 8वें गुरु ज्योति दे वारस होए। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी द्वारा छोटी उम्र विच सहयोग ढंग नाल सिखां दी अध्यात्मिक रहनुमाई करनी आप जी दी रूहानी कला दा एक महान करिश्मा है। आपने दूर दराडे रहन वालियां सिख संगतां दी चंगी अगवाई कीती। दूर प्रदेशां विच धर्म प्रचारक नियुक्त कीते अते आप भी सच दे ढुंडाउआं नूं उपदेश दित्ते। श्री हरकृष्ण ध्याया जिस डिठे सब दुख जाए सिखां दी नित दी अरदास श्री गुरु हरकृष्ण जी प्रति ध्याया अते डिठे सब दुख जाए दो पद जोड़ के उन्हां दी बलबीर अते सिरजनात्मक शख्सियत दी जो महानता गायन कीती है जिस मुच्ची मानस जात उस महिमा गायन विच इक सुर हो सके ता निश्चय ही सब दुख दूर हो जाणगे। सब दुख जाण नाल ही सुख सहज ते आनंद दी प्राप्ति होवेगी। 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी दा दर्शन दीदार सुख सहज ते आनंद प्रति दा वी दर्शन दीदार है। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह।